वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जोड़ते हैं जहां पे छोड़ा था। सवालों का तांता बंधा हुआ है। मैं गुजारिश करूंगा चीमा साहब के कि वो अगर कोई सवाल पूछना चाहते हैं। सर, एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि आप बहुत एस्पेक्ट्स में रहे हैं कनेक्टेड टू द प्रोफेशन एज अ लॉयर, एज मेंबर बार पंजाब बार काउंसिल एंड आल्सो एज अ जज, और वो वाला एस्पेक्ट अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया कि आप हाई कोर्ट में भी रहे और फिर आपको मौका मिला या सुप्रीम कोर्ट में भी रहे हैं। सर, थोड़ा हम ये जानना चाहेंगे कि वन यू आर ऑन दिस साइड ऑफ द बॉर्ड एंड वन यू गो टू द अदर साइड ऑन दिस साइड ऑफ द बेंच ऑन द अदर साइड ऑफ द बेंच, कैसा एक एक्सपीरियंस होता है एंड डू यू सी कि इसमें जो आप आपकी इनसाइट्स हैं विद रिस्पेक्ट टू द लॉ, दे मस्ट चेंज क्वाइट अ ग्रेट अमाउंट, तो उसको थोड़ा बता सकेंगे हमें कैसा वो एक्सपीरियंस होता है? यार देखो, जो बेंच के ऊपर बैठा है जिसको हम जज कहते हैं, बुनियादी तौर पे जैसे अभी बातें, वो भी वकील है। वकील है लेकिन कलम उसके पास है, कानून वो भी जानता है जी। शायद जो मेहनत करते हैं वकील वो ज़्यादा होते हैं साहिब इल्म, कम अज़ कम इन एज फार एज दैट पर्टिकुलर केस इज कंसर्न जी। अगर सही तैयार करके वकील आता है तो उसका केस के ऊपर अबूर जज से ज़्यादा होता है। ठीक, तो फर्क मेरा इतना होता है कि थोड़ा सा वो एलिवेटेड है, ऊपर स्टेज बनी हुई है, उसके ऊपर वो बैठा हुआ है, कुर्सी उसकी लंबी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अगर अपनी जात की बात करूं तो मुझे कोई इतना नशा नहीं चला कि मैं जज से हट गया। मेरा सर असल में सवाल भी ये था, क्योंकि हमारी अक्सर एक है कि फलाना बंदा था, जानने वाला था, बड़ा अच्छा था, जज बन गया, फिर उसका लेकिन सर जज साहब की जो उनका व्यू लिया जाए, ऑनरेबल जजेस हैं हमारे, उनसे भी हमारी जाहिर है एज ए लॉयर भी बात, वो कहते हैं हमें एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ जाता है, हम उस तरह से सोशल नहीं हो सकते, उस तरह से हम लोगों से अकोमोडेटिंग नहीं हो सकते, हमें मेरिट को मेंटेन करना है। तो अगर हम अगर थोड़ा सा ये डिस्टेंस नहीं मेंटेन करते, जिसे लोग कहते हैं कि नशा हो गया, तो फिर हम इंसाफ नहीं कर पाते। नहीं नहीं, नशे में और टू रिस्ट्रिक्ट योर सोशल एक्टिविटी, देयर इज लॉट ऑफ डिफरेंस इन इट। ठीक, ये जज के लिए जरूरी है कि वो विड्रॉ कर जाता है नॉर्मल सोशल लाइफ से, क्योंकि उसको पता नहीं होता जी। और मैं आपको कोट कर सकता हूँ कुछ ऐसे मिसालें भी कि जज बेचारे को पता भी नहीं है लेकिन उसका नाम पे ऊपर वो जी होता है, लिख गया है जी, बिल्कुल जो कि अच्छा, तो इसलिए उसको थोड़ा सा विड्रॉ करना पड़ता है जी। अब बाहर में जैसे मेरा 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 तजर्बा ये है, मैं चूंकि बाहर की पॉलिटिक्स में रहा, कुछ दोस्त जो मेरे साथ दिन रात फिरे, मैं उनका मरहूम एहसान मंद था, ये हकीकत है कि वो मेरे साथ जागे अपना काम काज छोड़ के, जो बाद में जस्टिस मुनीर पहले जज बन गए। हम तो तीन चार का ग्रुप था जो कभी शकरगढ़ गया, कभी नारोवाल गया, कभी आबदाबाद गया है, वोट मांग के फिर रहे हैं। ठीक, अब उनके केस भी लगे हुए हैं मेरे पास, बतौर इंसान मैं क्या करूं? फिर सर किस तरह मैं जज हो गया हूं, वही मियां मीजुद्दीन या अहमद वहीद खान मेरे सामने खड़ा है जो मेरे साथ रातों को फिरता रहा, भूखे गाड़ी की ब्रेक भी नहीं लगाने देते थे कि यार वो वक्त निकल जाएगा, खाना बाद में खा रहे। अब इतने सिंसियर दोस्तों को जब उनका केस आए, लेकिन इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, मैंने तो जो किया वो अल्हम्दुलिल्लाह किया, आफरीन उन दोस्तों पे है जिन्होंने मेरे से कभी गिला नहीं किया कि तुम साडा केस बिगाड़ दो। आपने उनके खिलाफ भी केस खिलाफ भी किए? अच्छा, और अक्सरियत शायद बनते थे वो आपने रिलीफ भी दी। ठीक, इस तरह जस्टिस मुनीर मेरा बड़ा दोस्त, वो बहुत पहले मेरे से 5-7 साल 87 में जज हो गए,
1994 में हुआ, दोस्ती यारी इतनी थी कि वो जज होके भी मुल्तान से चलते थे तो पनारी में आ रहा हूँ और वही तीन चार यारों का ग्रुप बैठ के, कोई पर में नहीं हम बैठते थे या कोई कभी इछरे के फट्टों पे बैठे हुए साथी के साथ, तो वो घर बार में जाता था पहले दो घंटे यारों के साथ करते मार। जी मैं सर आखिरी टाइम का इसमें आ रहे, मुझे आखिरी एक सवाल जानना है कि सर एक ऑनरेबल जजेस जो है हमारे यहाँ स्पेशली हाई कोर्ट के, उनका ये प्रॉब्लम है जो लॉयर कम्युनिटी उनसे शिकवा करती है कि मैं सुना नहीं जानता, उनकी तरफ से जब बात सुनी जाए तो वो कहते हैं भाई इतना ज्यादा बर्डन है हमें भी नजर आ रहा है, तो क्या आपके जमाने में बर्डन कम था या आप चीजों को जल्दी निपटा देते थे, किस तरह से ये सोल्यूशन था? दोनों साइडों पे आर्गुमेंट जायज लगते हैं। ऑनरेबल जज कहते हैं जी ये पलंदे में आपकी कहानियां नहीं सुन सकता, मुझे टू द पॉइंट बताएं। लॉयर कहते हैं जी मैं सारी रात पढ़ता रहा, मुझे सुना ही नहीं गया, जज साहब ने हाईकोर्ट के अंदर फाइल उठा के साइड पे रख दी, कौन ठीक है, किस तरह से जाए? यार बात ये है कि जी अगर वकील सिर्फ आई बाई शाही करे, जिसको आप कह रहे हो कि प्लेइंग टू द गैलरी जी, अब उसके क्लाइंट पीछे खड़े हैं, शायद मीडिया में भी उसके तलक, अब वो केस कम ड्रामे ज्यादा हो रहे हैं जी, जज उसको रोकता है कि यार कम टू द पॉइंट, ये इसका मसल क्या, अब वो उसको अवॉइड करता है, शायद उसके वीक विकेट है जी, तो फिर वो गिले शिकवे के जी मेरे सुना नहीं गया, वो एक वही मंजूर कादर मरहूम का और एक नाम और बहुत बड़ा हमारी वकालत का था एजाज हुसैन बटालवी, आपने शायद नाम सुना हो। जी नाम सुना है बिल्कुल, नाम पर्सनालिटी थे ये बटालवी साहब ने जो आए थे मुझे बताया कि वो 51-52 में लंदन से बैरिस्ट्री करके आके उन्होंने मंजूर कादर के चेंबर में वो शामिल हो गए, सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला लगा हुआ था, उस जमाने में कंप्यूटर तो था नहीं, मुंडे लगे हुए हैं चल भाई बेचार भी, और एनुअल डाइजेस्ट काट के जजमेंट दो वेक हो गया, तो दो रातें मर गए पढ़ पढ़ के लिख लिख के ट्रे में लेके पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, मंजूर कादर राष्ट्रम पे गए, फाइल खोली, ये किया वो किया, तो उन्होंने दो चार मिनट जो कहना था कुछ कहा, और उस जमाने में चार पांच ही सुप्रीम कोर्ट के जज थे और सारे बैठ बेंच नहीं होते, सारे बैठते थे, तो जो भी चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं मिस्टर मंजूर कादर नथिंग इन दिस केस, अच्छा लफ्ज़ डिसमिस नहीं बोलते थे ठीक, वो नीचे जो रीडर है या फाइल उसको पकड़ देते थे, देर इज नथिंग, वकील को समझ आ जाती कि ये डिसमिस हो, मंजूर कादर साहब ने अपना फाइल समेटी, ये वो बटालवी मरहूम कहते हैं बाहर आगे बरामदे में, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ये वो जो हाई कोर्ट का जीपीए वाला विंग है ना जी जी, उसमें दो तीन कमरों में सुप्रीम कोर्ट होती है, अच्छा उसकी अपनी कोई बिल्डिंग नहीं थी, ओके हाँ, तो कियानी साहब एम आर कियानी वो बड़ा तंज करते थे जो वकील, फॉरगेट टेक दिस केस टू Somebody sitting in the borrowed wing of the High Court, वो Supreme Court है, हाँ उधर ले जाओ, in the borrowed wing of the High Court, ठीक borrowed wing, तो वो कहता है जी मैं बटालवी साहब बड़ा मैं जवान बचा अब पैरिस्ट्री करके आया हूँ, सारी वॉटरेस नॉनसेंस, मर गए पढ़ पढ़ के ट्रेनिंग किताबें ये वो, और जज साहब ने कह दिया है कि there's nothing in this case, मिस्टर मंजूर कादर, तो मनोहर कादर रुक गया, उन्होंने कहा बटालवी एज सून एज द जज अनाउंसेस द ऑर्डर राइट और रॉन्ग द जॉब ऑफ द लॉयर कम्स टू एन एंड, खत्म था आपका, आपका तकरार करना मार कुटाई हड़ताल जज का काम खत्म, वो जाने अब वो उसका खुदा जाने, अगर वो खुदा को नहीं मानता तो उसका जमीर जाने, वकील का काम खत्म हो गया, उसने अनाउंस किया जी मनोहर कादर बिल्कुल, तो ये है बिल्कुल,
आजकल का जो गिला शिकवा है वो तकरारी करते हैं वकील, तकरार नहीं करनी चाहिए। तकरार इसलिए करते हैं कि शायद क्लाइंट को सबक बाग दिखाए होते हैं जी। अब वो जब सबक बाग पूरे होला काला बाग बनता है जी जी काला बाग ठीक ठीक। तो फिर आपकी इजाजत से बस एक आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त थोड़ा कम है हमारे पास जी। सर एक सवाल का जवाब दीजिएगा आप, जाहिर एज एडवोकेट भी रहे और ऑन द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, व्हाट वाज द बेटर लाइफ, व्हाट वाज द बेटर एक्सपीरियंस एज अ लॉयर और एज अ सुपीरियर कोर्ट जज? यार ये तो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। आपसे पूछ रहा हूं सर। सर मैंने दोनों एंजॉय किए। मेरा इब्तदाई 7-8 साल वकालत का सख्त तरीन पीरियड जी सर, ठीक 63 से 70 तक, आई थिंक अर्ली 70 में फिर स्टेबल हो गया। उस दौरान शादी भी हो गई, केस आते थे नहीं भी आते थे, लाहौर में बैठ गए कोई जानता ही नहीं था, ना कोई जात ना कोई बरादरी ना कोई रिश्तेदारी। वो गुजरा वाले में बड़े कहते थे यार इधर शुरू करो, और हमारे पास गांव से लोग आते हैं, वो पढ़ाई साहब कुड़ी का मामला है, असी को वकील करवा दो तेरे को। फिर फिरा सी के जी वकालत समुंदर है, जे डूबने तो फिर बंदा समुंदर ही डूबे, कुएं की डूबे, कुएं की डूबे। नाज़रीन जो है गुफ्तगू का सिलसिला जो है दिल तो ये चाह रहा है कि इसी तरह से भंडारी साहब से सवालों जवाब का सिलसिला जारी रहे, और बहुत सारी अभी बातें बाकी भी हैं, लेकिन जाहिर है जो है वो वक्त कम है। इंशाल्लाह दूसरी किसी सिटिंग के अंदर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और बाकी जो सवालात हैं वो आप पूछेंगे, और हमारे जो नाज़रीन हैं और हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो लॉ से और जनरल जो हमारी पब्लिक है उनको इंशाल्लाह एजुकेट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।